टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 12A, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पी प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपये 8,250। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपये 1,100 और टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1100 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,250 इंटू रेट ऑफ टाइम पीरियड कितना दिया, 2 ईयर्स। ठीक है, पहले सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 5 से कट करेंगे, 5 1 जो 5 3 हुआ, 5 6 30, 5 5 20, 5 5 2 10। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11 1 जो 11, 11 5 55, 11 1 जो 11 क्या हुआ 100 अपॉन क्या हो जाएगा 50। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जो 10 और 5 3 जो 50, 20 अपॉन 3। तीसरी डिवाइड करेंगे 20 में, 6 और 2 बाई 3%, ये आर हमारा निकल के आया है 16 प्लस 2 20 बाई 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितने परसेंट निकल के आया है, 6 और 2 बाई 3%। ठीक है स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम बताने जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है पी इज इक्वल टू रुपए 3,560 और अमाउंट दिया है 4,521.20 और जो टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, पहले से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट 4,521.20 से माइनस करना है 3,560.00। ठीक है, 0012 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 14 में से 5 9। ठीक है, तो 961.20 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट निकल आया स्टूडेंट्स, तो हमें पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 3,560 इंटू टाइम पीरियड 3। ठीक है, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पर 2 0 क्लिक करेंगे, उसके इससे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अभी 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचा 9,612 अपॉन 3,560 अपॉन 3, 3 3 जो 9, 3 2 जो 6, 3 4 जो 12। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जो 32, 4 9 जो 36, 4 8 जो 32, 4 1 जो 4, इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 9 टाइम जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा स्टूडेंट कितने आ गया, 9% निकल के आ गया, जो हमारा क्वेश्चन गिवन था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या गया है, संता बारोट रुपए 6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 ईयर्स 8 मंथ के लिए एट 12% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेथ, मतलब अपने डेथ को जब क्लियर करेगा तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें पहले इंटरेस्ट निकालिए और इंटरेस्ट को आप किस में ऐड करेंगे, प्रिंसिपल में, तो अब हमारा क्या निकल आएगा, अमाउंट जितना हमें रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल जो लिया गया है
वो दिया हुआ है 6,000 रुपये लिया हुआ है, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना दिया है, 3 ईयर्स 8 मंथ, 3 ईयर्स 8 मंथ दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12%, ठीक है। अब अमाउंट निकालना, सबसे पहले जो टाइम दिया हुआ है टाइम को हम ईयर में चेंज कर लेंगे, तो 3 ईयर्स 8 मंथ दिया है, तो 3 कंप्लीट 8 अपॉन 12, 4 2 जाए 4 3 जाए 12, 3 होल 2 बाई 3, 3 3 जाए 9, 2 11 बाई 3, क्या ईयर्स, ठीक है। ये टाइम निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट क्या फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 3 4 4 20 4 2 100 40 मल्टीप्लाई बाई 11 11 0 0 11 4 44 4 हुआ 11 2 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा 26। ये हमारा क्या निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल हमारा 6,000 दिया हुआ था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है 2,640, 2,640 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 8,640 रुपये आ गया, ठीक है। तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक को, जिससे कि उसका डेप्थ क्लियर हो जाएगा। अमाउंट पेड टू बैंक टू क्लियर द डेप्थ इक्वल टू ₹8,640, इतना रुपए हमें बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा, तो हमारा डेप्थ क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 13 वाला। हरी बारवुड ₹12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 10-15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 ईयर्स ही पेड ₹7,070 एंड गेव अ गोट टू क्लियर द डेट, और 7070 रुपए दिए प्लस एक गोट दी उसको, जिसके बाद उसका डेट क्लियर हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट, तो बताइए कि गोट की कॉस्ट क्या होगी। चलिए देखिए, तो जो प्रिंसिपल हमने पैसा उसने लिया है बारो या उधार लिया 12,600, तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 12,600 रुपए हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कहा गया है 15%, और टाइम पीरियड उसने क्या कहा है 3 ईयर्स के लिए। तो पहले क्या करिए, इससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए इसका, ठीक है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या 100, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 126 मल्टीप्लाइड बाई 15, 3 जा 45, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट करा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 6 जा 30, 3 कैरी होगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 क्या इतना हो जाएगा 13, और 5 1 जा 5 प्लस 1 6, ठीक है। 4 6 जा 24 हुआ, 4 2 जा 8 9 10, ठीक है 1 हुआ, 4 1 जा 4 1 5 0 7 6 5 5 6 7 0 रुपए सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, ठीक है। SI इक्वल टू 5 6 7 0, ठीक है। अब अमाउंट हमें पेड करना पड़ेगा, तो अमाउंट जब पेड करेंगे तो उसके साथ क्या ऐड करेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है। अब अमाउंट हमें निकालना है स्टूडेंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 12,600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5670 निकल के आया, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो देखिए 0 0 रहेगा, 7 एडिट करेंगे 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 18,270 रुपये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, उसने पैसा दिया, कितना अमाउंट पेड किया उसने, इतना पैसा देना पड़ेगा इसका मतलब है, और इसके साथ उसने कितना दिया, अमाउंट पेड टू क्लियर डेट इक्वल टू, इसके बराबर होगा हमारा 7070 रुपए दिया प्लस
कॉस्ट ऑफ वोट, वोट की जो भी कॉस्ट है इज इक्वल टू 18,200 क्या आ जाएगा 17। ये हम क्या करेंगे, वोट की कॉस्ट निकालनी है स्टूडेंट, ये ट्रांसपोज करेंगे जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ वोट 18,270 से सेपरेट करेंगे 7070 7070, ठीक है, सेपरेट करेंगे 002 यहाँ पर 11, 11,200 रुपए क्या आएगी कॉस्ट हमारी गोट की कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गोट रुपए